हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में मैंने इसका कनेक्शन के बारे में बताया था कि कैसे मैंने यहाँ पे पावर का इनपुट और स्पीकर का आउटपुट सब कुछ कनेक्शन करते हैं। मैं उस वीडियो में इसका वॉल्यूम का कनेक्शन नहीं बताया था, तो आज की इस वीडियो में इसका पूरा वॉल्यूम का डिटेल्स कनेक्शन सब कुछ जानेंगे। ऊपर का बेस कनेक्शन और यहाँ पे जो मेन वॉल्यूम है उसका भी कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे डबल पोल टीसी यूज कर रहा हूँ और उसके साथ एक सिंगल पोल टीसी। ये हमारा बेस के लिए काम में आएगा और ये हमारा ट्रेवल के लिए वॉल्यूम के लिए, क्योंकि ये लेफ्ट राइट में काम करता है तो इसलिए यहाँ पे डबल वॉल्यूम चाहिए। तो चलिए पहले इसको आपको पूरा जो कनेक्शन है इसको आपको कर लेना है। अगर आप इसका कनेक्शन नहीं जानते तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी इसका पावर ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूं। तो मैंने इसका पावर ऑन कर दिया है, तो अभी यहां पे साउंड आ रहा है कि नहीं मैं देख लेता हूं। तो यहाँ पे बेस का साउंड आ रहा है और ट्रैवल के लिए जो मेन हमारा लेफ्ट और राइट के लिए, ये वाला हमारा लेफ्ट पर है और ये वाला हमारा राइट पर है, और यहाँ पे भी सब कुछ में ये दो हमारा इसके लिए है और ये दो हमारा इसके लिए है। तो यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है जो कि इसके साथ शॉर्ट हुआ है और जाके हमारे जो सबवूफर है उसके लिए गया है। कुछ कुछ में ऐसा कनेक्शन नहीं होता है, सबवूफर का कनेक्शन आपको अलग देके करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही है। और यहाँ पे तीन पिन है, ये हमको वॉल्यूम के साथ जोड़ देना है, जो कि यहाँ पे तीन पिन का जो नॉर्मल पीसी है उसको आप यहाँ पे जोड़ देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इसका बेस का कनेक्शन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अलग बोर्ड में अलग हो सकता है, उसका बेस का कनेक्शन अलग से करना पड़ता है। तो आप देख लेना कि मैं जैसे यहाँ पे दिखाऊंगा आप अगर देखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम टच करते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा सबवूफर का इनपुट है। तो मैंने पिछले वीडियो में वॉल्यूम कैसे कनेक्शन करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बोला था। तो आपका अगर यहाँ पे इनपुट है तो यहाँ पे एक ग्राउंड देना है और यहाँ किसी से भी जो लो आउटपुट होता है जिसके मदद से हम साउंड एम्पलीफाई करके, ये तो है एम्पलीफायर, तो इस जिसके मदद से हम चलाते हैं उसका कनेक्शन एक जगह पर देना है और यहाँ पे एम्पलीफायर का जो इनपुट है उसको देना है और उसके साथ ग्राउंड को देना है। तो वॉल्यूम कैसे कनेक्शन करते हैं उसके लिए मैंने डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, उसका भी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो उसको अगर देख लेंगे तो आपको आसानी से किसी भी चीज का आपको वॉल्यूम कंट्रोल आना पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका इनपुट है एम्पलीफायर का और यहाँ पे हमको एक वीसी कनेक्शन करना है और यहाँ पे लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ पे देखिए ये दोनों में सेम वाइब्रेशन कर रहा है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके साथ एक कनेक्शन हुआ है, तो ये हमारा मेन नहीं है, मेन हमारा ए वाला है, क्योंकि ए वाला हमारा इसके साथ कनेक्शन होने के लिए गया है, तो हमको इसके साथ कनेक्शन नहीं करना है, कनेक्शन करना है इसके साथ। और यहाँ पे भी ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो एक ग्राउंड मिलेगा, वैसे यहाँ पे कनेक्शन कोई नहीं है, मैं अलग से ग्राउंड यहाँ पे दूंगा। और यहाँ पे भी हमारा राइट वाला है, तो चलिए यहाँ पे हमको हर किसी का एम्पलीफायर का यहाँ पे जो भी एम्पलीफायर है एक अलग एम्पलीफायर, एक अलग एम्पलीफायर और ये हमारा सबवूफर के लिए अलग एम्पलीफायर। तो तीनों का मैंने इनपुट पता कर लिया, तो अगर इनपुट पता कर लिया तो आसानी से कोई भी एम्पलीफायर पर वॉल्यूम कंट्रोल जोड़ सकता हूँ। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हो तो आसानी से देख सकते हो आई बटन पे लिंक जाके। तो आज के इस वीडियो में मैं कनेक्शन कैसे करता हूँ फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो एम्पलीफायर वॉल्यूम कनेक्शन जो वीडियो है वहां पे मैंने बताया था, इस साइड हमारा ग्राउंड रहता है जो कि हमारा ब्राउन और ब्लैक है, तो ब्राउन ब्लैक को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड हमारा सबसे चौड़ाई वाला हिस्सा होता है जो कि यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। तो
सबसे पहले इसका पावर ऑन कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, और मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट के लिए ये वाला और एक यहाँ से जो कि हमारा वाइब्रेशन आ रहा था, और ये हमारा गया है लेफ्ट और राइट वाला अलग अलग पीसेट पर। और यहाँ पे हम अगर 3.5 mm जैक या फिर किसी बोर्ड का आउटपुट से अगर यहाँ पे आउटपुट देंगे, एम्पलीफायर के लिए इनपुट है और जहां से आ रहा है उसका आउटपुट है, तो यहाँ पे आउटपुट देंगे तो हमारा ये चालू हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे इस बेस कंट्रोलर को कनेक्ट कर देता है। तो इसका भी इस साइड हमारा ग्राउंड रहेगा जो कि हमारा ए वाला हिस्सा है ग्राउंड के लिए। तो ग्राउंड हमारा ए वाला हिस्सा है जो कि मैंने देखा है, तो ग्राउंड और मिडिल का हमारा मिडिल पर रहेगा, और जो साइड वाला है साइड पे रहेगा। तो ऐसे करके हमारा हो गया कंप्लीट। तो सिंपल इजी है एकदम। और यहाँ पे हमको एक VC कनेक्शन करना है, सॉरी यहाँ पे एक 3.5 mm जैक को मैं कनेक्शन कर दूंगा। तो इसका ग्राउंड मेरे को पता है, ग्रीन वाला ग्राउंड है, तो ग्राउंड हमारा सब में देना ही जरूरी है। ग्राउंड अगर नहीं देंगे तो हमारा कोई भी चीज रन नहीं करेगा। हो गया, तो ये रहा 3.5 mm जैक। तो चलिए अभी पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन किया तो यहाँ पर कोई साउंड अभी नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया तो सभी में साउंड आना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे बेस पे भी साउंड आना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसका साउंड टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पावर ऑन किया और मैं यहाँ पे सॉन्ग भी प्ले कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये हमारा वॉल्यूम रह गया और यहाँ पे ये बेस कंट्रोल है, सिर्फ यहाँ पे सब ऊपर का उस वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे। तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। वैसे मैं यहाँ पे 3 पार्ट वीडियो बनाया है, तो अब अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप ये तीनों वीडियो देख लेना जो कि मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वॉल्यूम किसी भी हो, आपको सिर्फ एम्पलीफायर का इनपुट को जानना होता है और हम जहां से इनपुट करेंगे वो वाला एम्पलीफायर का इनपुट अलग है। और मैं किसी का भी, मैं अगर एक सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ, वो जो सॉन्ग प्ले का जो आउटपुट है उसको कहां पर जोड़ना है, ये दो को आपको पता करना होता है और ग्राउंड उसके साथ है। तो वॉल्यूम कंट्रोल वाला वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से बताया है, तो आप तीनों अगर देख लेंगे तो आसानी होगी आपको कोई भी एम्पलीफायर का वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट पर जरूर बताना, और आपको मैंने जैसे बताया अगर इस वॉल्यूम का कंट्रोल भी आप देखना चाहते हो नीचे कमेंट पर जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।